हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ 580। तो दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो मैं अपने ही अंदाज में आप सभी से कहूंगा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और चलते हैं रोज की तरह करंट अफेयर्स की सफर की तरफ, जहां पर हमने खबरों को, जी हाँ, सेगमेंट्स में बांट रखा है। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस, अग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेन्स, साइंस की बातें, डिफेंस की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, मतलब तमाम उन खबरों के ऊपर नजर रखी जाती है जहां से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने की संभावना है। और उसके बाद अंत में हम किसको अटेंड करते हैं, तो हम क्विज को भी अटेंड करते हैं, मतलब आज ही के सेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपसे पूछते हैं, जो आपके इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करा देती है। तो समय को जाया नहीं करेंगे, अगेन सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए दिन की पहली खबर की तरफ चलेंगे। और आप सभी को बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 15 अगस्त कल हमारा शो नहीं आया था और उसको लेकर बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और हम चलते हैं पहली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबर। नीति आयोग लॉन्चेस पिच टू मूव। नीति आयोग ने पिच टू मूव की शुरुआत की, मतलब ग्लोबल मोबिलिटी समिट के अंदर एक कॉम्पिटिशन की शुरुआत, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स और जो स्टार्टअप बडीज हैं वो अपने आइडियाज को एक ज्यूरी के सामने, एक सदस्य के सामने पिच कर सके, मतलब प्रस्तुत कर सके, और फिर उनके बेस्ट आइडियाज को चुनकर पीएम से भी सम्मानित करवाया जाएगा। तो नीति आयोग ने इस तरह की कंपटीशन की प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा है पिच टू मूव। तो उस खबर को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। नीति आयोग हैज लॉन्च्ड पिच टू मूव, अ मोबिलिटी पिच कॉम्पिटिशन, मतलब आप अपने मोबिलिटी के ऊपर आपका कितना वो आइडियाज एंड इनोवेशंस हैं, आप उस कॉम्पिटिशन के थ्रू पिच करिए, मतलब प्रस्तुत करिए। दैट एम्स टू प्रोवाइड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिल्कुल टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यूनिक अपॉर्चुनिटी टू पिच देयर बिजनेस आइडियाज, कि वो अपने व्यापारिक विचारों को, आइडियाज को, इनोवेशंस को डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरी, मतलब जजेस के सामने, ज्यूरी के सामने रख सकते हैं। स्टार्टअप वर्किंग इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ मोबिलिटी कैन पिच देयर आइडियाज टू इंडस्ट्री लीडर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स, और निवेशकों को भी लुभाने के लिए ये आइडियाज जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे सकते हैं एंड वेंचर कैपिटलिस्ट को भी दे सकते हैं। विनर्स ऑफ द इवेंट विल बी फेलिशिएटेड बाय पीएम ड्यूरिंग द ग्लोबल मोबिलिटी समिट, और जो इसके विजेता होंगे इस कॉम्पिटिशन के, प्रधानमंत्री उनको 7 और 8 सितंबर को जो ग्लोबल मोबिलिटी समिट विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होना है, वहां पर उनको सम्मानित किया जाएगा। पिच टू मूव एम्स टू आइडेंटिफाई एंड इंसेंटिवाइज द स्टार्टअप्स। तो ये यहाँ पर पिच टू मूव जो है वो स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर्स को, जो नए इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्निक के साथ, आइडिया के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, उसे एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, उसे स्टार्टअप कहा जाता है, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको आगे बूस्ट करने के लिए इस तरह का कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया है नीति आयोग ने। विच विल हेल्प द गवर्नमेंट रियलाइज इट्स विजन ऑफ शेयर्ड, कनेक्टेड, इंटर मॉडल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी फॉर इंडिया। तो ये तमाम जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये एक प्रतियोगिता, ये कॉम्पिटिशन। आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और चीजों को डिटेल में इससे रिलेटेड। तो पिच टू मूव इज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्ट इंडिया। तो किसके साथ मिलकर नीति आयोग जो है पिच टू मूव का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इन्वेस्ट इंडिया एंड श्याम, SIAM श्याम, दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ एंगेजिंग फीचर्ड इवेंट्स इन द रन अप टू द मेन इवेंट। द समिट इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 7 और 8 सितंबर एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली एंड इज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय पीएम ऑफ इंडिया। तो ये 7 और 8 सितंबर को शुरू होगा पिच टू मूव, और आने वाले समय में जो ग्लोबल मोबिलिटी समिट होगा वहां पर उन विनर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। बात करते हैं अबाउट नीति आयोग, क्विक फैक्ट्स ऑफ नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके, जी हाँ, योजना आयोग को खत्म करके, अबॉलिश करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति जो योजना का ही एक पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है, लेकिन नीति का अपना एक फुल फॉर्म भी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग हेडक्वार्टर कहां पर, नई दिल्ली में। चेयरमैन नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, और इनके कुछ मेंबर्स भी हैं, विवेक देवरॉय, वीके सारस्वत,
रमेश चंद एंड विनोद पॉल, ये कुछ मेंबर्स हैं नीति आयोग के, और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अमिताभ कांत, और डायरेक्टर कौन है नीति आयोग के, दिनेश अरोड़ा. दिनेश अरोड़ा इज द डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग, एंड बाकी सभी नाम आपके सामने हैं, इसे जरूर याद करिएगा. हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज, नेशनल न्यूज की अगली खबर. तो कल 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया, और उस स्पीच में उन्होंने एक स्कीम को भी नेशन वाइड लॉन्च किया. तो पीएम मोदी अनाउंसेस लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो बजट 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर जो तभी थे अरुण जेटली जी, अभी छुट्टी पर हैं, उनकी जगह पर पीयूष गोयल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन 2018 का बजट पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने. तभी उन्होंने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया. तो अब उसका बिल्कुल सरकारी तौर पर, ऑफिशियल और आधिकारिक तौर पर कल उनकी अनाउंसमेंट करके उनका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने स्पीच से. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर बीमा का शुभारंभ किया. इस खबर को विस्तार से जानेंगे, जो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वेकअप शोज के अंदर बता भी चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर एक बार अपने दर्शकों के लिए हम बता दें. विद एन एम टू प्रोवाइड कंट्रीज पुअर एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, गवर्नमेंट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत नाउ जन आरोग्य अभियान. आयुष्मान भारत का नया नाम क्या है, जन मतलब लोग, पब्लिक, आरोग्य अभियान ऑन सेप्टेम्बर 25 कवरिंग 50 करोड़ पीपल. 25 सितंबर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसकी घोषणा, उद्घोष जो है, कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया. नियरली 10 करोड़ फैमिलीज विल गेट हेल्थ कवर वर्थ रुपीज 5 लाख ईच ईयर अंडर द स्कीम. तो 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार, देखिए 5 लाख रुपीज पर ईयर पर फैमिली, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर है जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर है. देन द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई पीएम in his last independence day address from the ramparts of red fort ahead of the next lok sabha election. to agli lok sabha election se pehle ye antim bhashan tha pradhanmantri narendra modi ji ka. the world's largest healthcare cover plan that covers 10 crore families provides 5 lakh cover to them each year. the scheme has of late become popular as modi care. to aayushman bharat scheme iska real name. Now the amended name is Jan Arogya Abhiyan and National Health Protection Scheme भी कहते हैं, और popularly इसको क्या बोलते हैं, मोदी केयर भी कहा जाता है. And पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल became the first state जिसने आयुष्मान भारत स्कीम को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया. जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज. देन आगे चलते हैं और जानेंगे अगली खबर के बारे में, और उससे पहले आप लोगों के बहुत बढ़िया, बहुत खूब आप लोगों का पार्टिसिपेशन. अच्छा निधि जी, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, तो आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, और वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स द वेकअप शो. जी हाँ, और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स द वेकअप शो. कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के कारण, कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मैं इस शो को कुछ दिनों के लिए नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ये नहीं पता है कि मैं अगली बार आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कब मिल पाऊं. तो अनिश्चित काल के लिए, मतलब अभी जो है डेट फिक्स नहीं है कि कब तक, तो अनिश्चित काल के विदा जरूर लूंगा, अलविदा नहीं कहूंगा आप लोगों को, विदा जरूर लूंगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे मैं कब आऊं, नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, लेकिन आऊंगा जरूर, क्योंकि जीके पढ़ाना और पढ़ाना मेरा पैशन है. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब भी आऊं मैं आप लोगों के समक्ष, मैं इसी डेडिकेशन के साथ और इसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ा सकूं. तो अबाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो इट वाज इन बजट 2018 दैट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैड अनाउंस्ड आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम फाउंडेड 29 अक्टूबर 1946. देखिए, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है ये फाउंडेड नहीं हुआ था 1946 में. फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो है, दैट वॉज फाउंडेड ऑन 29 अक्टूबर 1946. एंड हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज आर के शनमुख शेट्टी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड करंटली द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो है वो अपने लीव पर है, छुट्टी पर है हेल्थ केयर की वजह से, और उनकी जगह पर टेम्पररी पीयूष गोयल जो है वो चार्ज लिए हुए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की. हेडक्वार्टर कहां पर है वित्त मंत्रालय का?
नई दिल्ली में। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए और नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबर की अगली खबर, इंडिया रिलीजेज 470 मिलियन नेपाली रुपया ग्रांट फॉर तराई रोड्स प्रोजेक्ट इन नेपाल। भारत ने नेपाल में तराई रोड परियोजना के लिए 470 मिलियन नेपाली रुपया अनुदान जारी किया, 470 मिलियन नेपाली रुपया जो है अनुदान जारी किया। तो ये अमाउंट याद कर लीजिएगा, और नेपाल के अंदर पोस्टल हाईवे, नेपाल में एक हाईवे का नाम है पोस्टल हाईवे, और तराई रोड के अंदर वो आता है, तराई रोड के अंदर वो आता है, हिली रोड के अंदर वो आता है पोस्टल हाईवे, उसके निर्माण के लिए भारत ने 8 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है, जिसमें से अभी रिसेंटली उन्होंने 470 मिलियन डॉलर जो है, नेपाली रुपया जो है वो दिया है नेपाल को। इस खबर को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज 470 मिलियन नेपाली रुपया ग्रांट फॉर तराई रोड्स प्रोजेक्ट इन नेपाल। इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल मंजीव सिंह पुरी हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ ग्रांट टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ नेपाल मधुसूदन अधिकारी इन काठमांडू नेपाल। तो हमारे जो भारत के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं नेपाल के अंदर मंजीव सिंह पुरी, उन्होंने वहां के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मधुसूदन अधिकारी को ये चेक सौंपा काठमांडू नेपाल में। द अमाउंट हैज बीन रिलीज टू मेंटेन फंड लिक्विडिटी फॉर ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 रोड पैकेजेस अंडर पोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट। तो वहां पर नेपाल के अंदर एक हाईवे जिसका नाम है पोस्टल हाईवे, तो पोस्टल हाईवे के तहत 14 सड़कों के निर्माण के लिए ये पैसा जो है वो रिलीज किया गया है। विद दिस पेमेंट 2.35 बिलियन नेपाली रुपया हैव बीन रिलीज सो फार। अभी 8 बिलियन, देखिए नीचे भी लिखा हुआ है इसको डिटेल में, अगर मैंने आपको पहले बताया था कि भारत जो है नेपाल की सड़कों के निर्माण के लिए 8 बिलियन नेपाली रुपया अनुदान देगा, उस जिसको लेकर 2.35 बिलियन अभी तक दिया जा चुका है। तो आपको क्या याद रखना है, तराई रोड पोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट जिसके लिए भारत कुल 8 बिलियन नेपाली रुपया देगा नेपाल को, जिसमें से 2.35 बिलियन दे चुका है, और करंटली 470 मिलियन नेपाली रुपया जो है वो दिया गया है भारत की तरफ से। हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, और अबाउट नेपाल क्विक फैक्ट्स ऑफ नेपाल। तो खड़क प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। विद्या देवी भंडारी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ नेपाली आर्मी। नेपाली रुपया इज द नेपाली करेंसी। काठमांडू इज द कैपिटल। माउंट एवरेस्ट जो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था वो भी नेपाल में स्थित है, जिसको वहां के लोकलाइट, जी हाँ माउंट एवरेस्ट को वहां के लोकल लोग जो हैं वो सागर माथा कहते हैं। कोसी नदी, कोसी रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन भी नेपाल से होता है, और भी बहुत सारी चीजें। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो भी नेपाल के अंदर स्थित है। तो नेपाल के पार्लियामेंट को हम नेशनल पंचायत कहते हैं, नेपाल के पार्लियामेंट को नेशनल पंचायत कहते हैं। और नेपाली भाषा, नेपाली लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th schedule 8वीं अनुसूची के अंदर भी है। नेपाली भाषा इंडिया के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशनड इन 8th schedule 8वीं अनुसूची के अंदर भी नेपाली भाषा का वर्णन है हमारे भारत के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट न्यूज आपके सामने, नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबर। छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड राइट टू स्किल्स डेवलपमेंट टू यूथ। छत्तीसगढ़ युवाओं को कौशल विकास का अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट का अधिकार देने वाला फर्स्ट स्टेट बना है छत्तीसगढ़। इस खबर को थोड़ा डिटेल में करेंगे, और यहां पर बहुत खूब सभी स्टूडेंट्स का प्यार प्रेम और जो आपका अफेक्शन है वो देखकर बहुत खुशी हुई, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमेशा, और मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष जरूर जुड़ूंगा। तो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर रमन सिंह अनाउंस दैट छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट अमंग द 28 अदर स्टेट्स इन द कंट्री टू प्रोवाइड राइट टू स्किल्स डेवलपमेंट टू द यूथ। द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट अनंत कुमार हेगड़े फ्लैग्ड ऑफ 15 स्किल चैरियट्स टू लॉन्च द गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट ऑफ स्किल ऑन व्हील्स इन द स्टेट। तो उन्होंने एक रथ को रवाना किया, और उस रथ का नाम, चैरियट मतलब रथ, और उस रथ का नाम स्किल ऑन व्हील्स। तो स्किल ऑन व्हील्स जो है उसको रवाना किया डॉक्टर रमन सिंह, जो मुख्यमंत्री हैं
छत्तीसगढ़ के, और चैरियट एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ये रथ जो है वो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करेगा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट विल टूर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन द फर्स्ट फेज एंड द रेस्ट 14 इन द सेकेंड फेज। तो 13 जिलों को पहले फेज में और बाकी बचे 14 जिलों को दूसरे फेज में कवर करेगा। मतलब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को कवर किया जाएगा दो फेजेस के अंदर, और अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि स्किल जो है, दक्षता जो है, ये आपका अधिकार है और इसे हासिल करिए, और दक्ष बनकर, स्किल बनकर आप कंट्री को और स्टेट को कंट्रीब्यूट करिए। नेक्स्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के क्विक फैक्ट्स के बारे में। अबाउट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल इज रायपुर। 1 नवंबर 2000 को ये नया राज्य बना था मध्य प्रदेश से निकलकर, और रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं टोटल? 27। गवर्नर, बिल्कुल जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। 14 अगस्त की शाम को जो फॉर्मर गवर्नर थे, पूर्व राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ के, बलराम दास जी टंडन, उनका निधन हो गया। और उनके निधन के बाद मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया छत्तीसगढ़ के गवर्नर का। तो गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ न्यूली अपॉइंटेड आनंदी बेन पटेल, ड्यू टू द सडन डिमाइज ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर्मर गवर्नर बलराम दास जी टंडन। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज डॉक्टर रमन सिंह, हु बिलोंग्स टू बीजेपी। लेजिस्लेचर यूनिकेमरल, मतलब वन स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज विधानसभा, 90 सीट्स वहां पर है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है वो भी रायपुर में स्थित है। देन इंद्रावती कुत्रू नेशनल पार्क, कंगरवेरी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, दीज आर दी नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो चलेंगे हम अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और उसके बाद कुछ ही खबरों के बाद हम बढ़ चलेंगे आपके फेवरेट जोन की तरफ, और वो होगा क्विज। तो अगर आपको हमारा आज का शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज रोज की तरह आप इसे जमकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पता नहीं आगे कब मिलना हो, तो आज के इस शो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लाइव स्ट्रीम को, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें। अवार्ड की तरफ चलेंगे, पुरस्कार की तरफ चलेंगे। राइफल मैन औरंगजेब मेजर आदित्य कुमार टू कन्फर्ड शौर्य चक्र। तो वीरता का पुरस्कार, गैलेंट्री पुरस्कार, शौर्य चक्र दिया गया औरंगजेब और मेजर आदित्य कुमार को। तो यहाँ पे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया इन दो बहादुरों को, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे शौर्य चक्र के बारे में और किनको किनको ये दिया गया उसके बारे में। राइफल मैन औरंगजेब एंड मेजर आदित्य कुमार ऑफ इंडियन आर्मी कन्फर्ड द शौर्य चक्र अलॉन्ग विद 18 अदर आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल एंड मेंबर्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो 18 और लोगों को दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शौर्य चक्र प्रदान किया गया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है राइफल मैन औरंगजेब और मेजर आदित्य कुमार। औरंगजेब हु हैड बीन सिलेक्टेड पोस्टोमसली मरणोपरांत वॉज अबडक्टेड, उनको किडनैप कर लिया गया था एंड लेटर किल्ड बाय टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा उनको मार दिया गया था। बिसाइड्स सिपाही ब्रह्मपाल सिंह अवॉर्डेड विद कीर्ति चक्र पोस्टोमसली मरणोपरांत, ब्रह्मपाल सिंह को कीर्ति चक्र भी प्रदान किया गया जो बहादुरी का एक और पुरस्कार है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अप्रूव्ड दीज नेम्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे अलॉन्ग विद 3 बार टू सेना मेडल्स गैलेंट्री, 93 सेना मेडल्स गैलेंट्री एंड 11 नौ सेना मेडल्स गैलेंट्री। तो वीरता के इतने सारे मेडल्स जो हैं उन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में प्रदान किए, मतलब अनाउंसमेंट किया, जिसको कुछ दिनों के बाद प्रदान कर दिया जाएगा उन सभी सैनिकों को या उनके रिश्तेदारों को अगर ये पोस्टोमसली मिला है। तो आगे चलेंगे और जानेंगे इसको विस्तार से। द प्रेसिडेंट आल्सो कन्फर्ड वायुसेना मेडल गैलेंट्री टू ग्रुप कैप्टन अभिषेक शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर वर्नन डेसमेंट कियाने एंड सर्जेंट शशिधर पी प्रसाद। तो यहां पर वायुसेना मेडल भी 3 लोगों को दिया गया, अभिषेक शर्मा, देन वर्नन डेसमेंट कियाने एंड शशिधर पी प्रसाद को वायुसेना मेडल दिया गया, वीरता का एक और पुरस्कार बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ, रिपोर्ट्स की तरफ। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंक्ड एज इंडियाज मोस्ट पेट्रियोटिक ब्रांड अ सर्वे। SBI देश के सबसे देशभक्त ब्रांड के रूप में नामित हुआ है एक सर्वेक्षण के अनुसार। तो UK बेस्ड एक कंपनी ने ये सर्वे किया है, ये सर्वेक्षण किया है, जिसके अंदर लोगों का देशभक्त ब्रांड का मतलब है कि हमारे इंडियन लोगों का, भारतीय लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास जो है वो किस एंटिटी, किस कंपनी, किस ग्रुप के ऊपर है,
तो वो है SBI के ऊपर। जी हाँ, तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लिस्ट में और किस भारतीय कंपनी ने स्थान बनाया है। तो कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट पेट्रियोटिक ब्रांड अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय यूके बेस्ड ऑनलाइन मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स फर्म UGOV फॉलोड बाय टाटा मोटर्स, पतंजलि, रिलायंस जियो एंड BSNL। तो देखिए, यूके के अंदर एक ऑनलाइन मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, फर्म है, जिसका नाम है UGOV, जिसके अंदर नंबर वन पे पेट्रियोटिक कंपनी में नंबर वन पे आया है SBI, नंबर सेकंड पे टाटा मोटर्स, पतंजलि नंबर थर्ड पे, रिलायंस जियो फोर्थ पे और BSNL पांचवें नंबर पे। अराउंड 60% रिस्पॉन्डेंट्स रैंक्ड SBI टू द मोस्ट पेट्रियोटिक ब्रांड ओवरऑल। 16% लोगों ने SBI को सबसे ज्यादा देशभक्त कंपनी डिक्लेयर किया, फॉलोड बाय टाटा मोटर्स एंड पतंजलि विद 8% ईच, और टाटा मोटर्स और पतंजलि को उसका आधा 8% वोट मिला। रिलायंस जियो और BSNL को 6% वोट मिला इस रैंकिंग के अंदर। थोड़ा डिटेल में करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसी खबर को। तो द सर्वे विच कवर्ड 152 ब्रांड्स अक्रॉस 11 कैटेगरीज इज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड ऑनलाइन बाय UGOV ऑन ओमनीबस अमंग 1,193 रिस्पॉन्डेंट्स इन द कंट्री यूजिंग इट्स पैनल ऑफ एन ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। तो 1,193 लोगों के ऊपर यह सर्वे किया गया, जिसमें पूछा गया कि आपको सबसे देशभक्त कंपनी कौन सी लगती है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आया। इन द फाइनेंशियल सेक्टर SBI लीड द चार्ट विद 47% रिस्पॉन्डेंट, और वित्तीय सेक्टर में SBI का परसेंट तो और भी बढ़ जाता है। ओवरऑल में भी SBI नंबर वन पे, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी नंबर वन विद 47% रिस्पॉन्डेंट। और अगर फाइनेंशियल सेक्टर में दूसरे नंबर की कंपनी की बात करें तो LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद 16%। फाइनेंशियल सेक्टर में SBI नंबर वन और सेकंड पे LIC। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट न्यूज आपके सामने। लेकिन अबाउट SBI बात कर लेते हैं। तो SBI के करंट चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ SBI, हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई। स्टैब्लिश हुआ था SBI 1 जुलाई 1955, और SBI का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ SBI कब हुआ? 1956। एंड ओल्ड नेम ऑफ SBI क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट न्यूज। अपॉइंटमेंट नियुक्तियों की तरफ चलेंगे। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर रोड सेफ्टी कैंपेन्स। मेरे बहुत ही फेवरेट अभिनेता, मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता अक्षय कुमार जो है वो बने हैं सड़क सुरक्षा अभियानों के लिए ब्रांड एम्बेसडर। और मैंने इंस्टाग्राम और तमाम यूट्यूब वगैरह के ऊपर इनका वो वीडियो भी देखा, जो बहुत ही हंसी के साथ और मजाक के साथ बहुत ही सीरियस एक मैसेज दे जाते हैं कि ये सड़क आपके बाप की नहीं है, और प्लीज़ इसके नियमों का पालन करिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और खुद भी सुरक्षित रखिए। उसको लेकर यहाँ पर एक अवार्ड दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट किया जा रहा है नितिन गडकरी के द्वारा, जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज शिपिंग मिनिस्टर हैं। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और कल इनकी मूवी भी रिलीज हुई है, गोल्ड मूवी, बहुत ही बेहतरीन मूवी, और जरूर देखने जाइएगा आप लोग भी। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन नितिन गडकरी, इतने सारे मंत्रालयों के मंत्री नितिन गडकरी जी लॉन्च 3 शॉर्ट फिल्म्स फॉर जनरेटिंग पब्लिक अवेयरनेस टुवर्ड्स रोड सेफ्टी। तो पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर 3 फिल्मों का एडवर्टीजमेंट का एड का उन्होंने अनावरण किया, जो लॉन्च हो चुके हैं। आप भी जरूर देखिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे वो एड। फिल्म एक्टर श्री अक्षय कुमार हैज फीचर्ड इन दीज फिल्म विच आर डायरेक्टेड बाई श्री आर बाल्की, बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर आर बाल्की के द्वारा निर्देशित है। एंड मिस्टर गडकरी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री अक्षय कुमार एज रोड सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर। तो रोड सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार जी। अगली खबर की तरफ हम चलेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये वाली, और यहां पर बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गोल्ड जो है वो देख लिया हमने, और बहुत ही अच्छी मूवी है गोल्ड, 1948 ओलंपिक्स के ऊपर आधारित, और उसके अंदर बहुत बढ़िया जो फिल्मांकन किया है, और सभी अभिनेता ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है, देखने लायक फिल्म है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबर की तरफ, विज्ञान और तकनीक की खबर की तरफ, चंद्रयान 2 लैंडर टू बी नेम्ड विक्रम आफ्टर साराभाई। तो साराभाई के बाद चंद्रयान 2 लैंडर को विक्रम नामित किया जाएगा। तो विक्रम साराभाई के नाम पर चंद्रयान 2, जो 3 जनवरी 2019 को लॉन्च करेगी इसरो,
तो 2019 में जो चंद्रयान टू मिशन लॉन्च करेगी तो उसके एक लैंडर जो लैंड करेगा, मतलब सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो लैंडर एंड रोवर निकलता है और वो फिर उस सतह पे जाकर, सरफेस पे जाकर उन चीज़ों को ढूंढता है। तो वो जो लैंडर उतरेगा मून के ऊपर, उस लैंडर का पर्टिकुलर नाम रखा जाएगा विक्रम। किनके नाम पर? विक्रम साराभाई, स्पेस साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम रखा जाएगा। इस खबर को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। और आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। द लैंडर ऑन द चंद्रयान टू मिशन विच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन जनवरी 2019 विल बी नेम्ड विक्रम आफ्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का पिता कहा जाता है उनको। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट क्लियरेंस फ्रॉम द स्पेस कमीशन। तो अंतरिक्ष आयोग के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यह अनुमति मिल भी गई है। द मिशन अनलाइक चंद्रयान वन विच ओनली ऑर्बिटेड द मून इन्वॉल्व्स अ लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सर्फेस एंड अनलोडिंग अ रोवर टू स्टडी एंड टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम द मून। तो जो चंद्रयान वन हम लोगों ने लॉन्च किया था 2008 के आसपास, तो वो सिर्फ चांद का चक्कर लगाया था उसने, लेकिन ये जो चंद्रयान टू है ये लैंडर एंड रोवर भी वहां पर उतारेगा, जो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वहां के सभी एटमॉस्फेयर की जांच और परख करेगा। तो उस वजह से उस लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम नाम रखा गया है। बात करेंगे अबाउट इसरो की, ISRO की बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानेंगे। डॉक्टर के शिवन इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के शिवन। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स कहां पर इनका? बेंगलुरु कर्नाटका में। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और ऑबिटरीज की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था श्रद्धांजलि में बहुत दुखद खबर, छत्तीसगढ़ गवर्नर बलराम दास जी टंडन पासेस अवे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास जी टंडन का निधन हो गया है, तो ये बहुत ही दुखद खबर है। इसके अलावा कल रात को 6 घंटे पहले, 6 आवर्स अगो, इंडियन टीम के पहले कैप्टन, वनडे टीम के, इंडियन वनडे क्रिकेट टीम के ओडिया इंटरनेशनल के प्रथम कैप्टन अजीत वाडेकर का भी निधन हो चुका है। देखिए यहाँ पर दो निधन हुए हैं, बहुत दुखद निधन। और बलराम दास जी टंडन, छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर बलराम दास जी टंडन, उनका निधन हुआ। और इसके अलावा अजीत वाडेकर वॉज द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और 1971 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज जिताने वाले भी वो पहले भारतीय कप्तान। मतलब विदेशी सरजमी के ऊपर भारतीय टीम को जीत का मतलब लहू लगाने वाले कौन से प्लेयर रहे, कैप्टन रहे? अजीत वाडेकर जी। तो 1971 में वो कैप्टन बने, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में उन्होंने इंडिया को सीरीज जितवाया वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ। 1974 में जब भारत ने अपना पहला वनडे मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने कैप्टनसी करी थी वनडे मैचेस में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ऑबिटरीज श्रद्धांजलि के अंदर। तो दिल से नमन है उन दोनों ही महान विभूतियों का, बलराम दास जी टंडन और अजीत वाडेकर जी का। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ गवर्नर बलराम दास जी टंडन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन रायपुर आफ्टर ही सफर्ड कार्डियक अरेस्ट। तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई है 90 साल की उम्र में। आगे चलेंगे और जानेंगे कुछ अगली खबर के बारे में। स्पोर्ट्स की बात, वियतनाम बैडमिंटन ओपन 2018 कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स। वियतनाम बैडमिंटन ओपन 2018 विजेताओं की पूरी सूची आपके सामने है। तो अभी रिसेंटली वियतनाम के अंदर एक बैडमिंटन ओपन हुआ, सुपर सीरीज हुई, और उसकी पूरी सूची आपके सामने अगली स्लाइड के ऊपर दिखा दिया जाए। ये पूरी सूची बहुत बढ़िया, यहां पर 2018 वियतनाम ओपन ऑफिशियली नोन एज योनेक सनराइज वियतनाम ओपन 2018 वाज हेल्ड एट नगवान दू कल्चरल स्पोर्ट्स क्लब इन होची मी सिटी वियतनाम। द टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय होची मी सिटी बैडमिंटन एसोसिएशन। टोटल प्राइज मनी फॉर द इवेंट वाज $75,000। और ये लिस्ट जो है आपके सामने है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इस कंप्लीट लिस्ट को जो आपके समक्ष आने ही वाला है। और बिल्कुल, वियतनाम की कैपिटल इज हनोई और वियतनाम की करेंसी इज डोंग, DONG। वियतनाम की करेंसी डोंग, वियतनाम की कैपिटल इज हनोई। तो अगले स्लाइड की तरफ हमें ले जाया जाए जहां पर हम आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाएंगे। तो लिस्ट ऑफ विनर्स ये रहा, मेन सिंगल्स को किसने जीता? शशार हिरेन रुशु वातो इंडोनेशिया के, रनर अप हमारे इंडिया के अजय जयराम रहे। तो मेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता अजय जयराम इंडिया। वुमेन सिंगल्स योआ जियामिन सिंगापुर की प्लेयर जिन्होंने जीता, एंड हान यू चाइना जो हारी। मेन सिंगल्स को सुंग ह्यून, मेन्स डबल्स को सुंग ह्यून
एंड शिन बेक चियोल ने जीता, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स डबल को जीता मिसातो अरातमा एंड अकाने वतांबे जापान की, और मिक्स डबल्स को जीता निपिता पॉन फुआंग फटे एंड सवित्री अमित्रा पाई थाईलैंड जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता। तो दीज आर दी कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ वियतनाम ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। लेकिन आपको क्या याद रखना, तो मेन सिंगल्स में रनर अप कौन रहे, अजय जयराम। हमारे पेपर्स में पता क्या पूछा जाएगा, अजय जयराम बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। जी हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लेयर का आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है कि बताइए ये प्लेयर जो है वो किस खेल से संबंधित है। आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और उसके बाद बढ़ चलेंगे क्विज की तरफ। तो कैपिटल ऑफ वियतनाम इज हनोई, करेंसी ऑफ वियतनाम इज डोंग, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज वियतनामीज। आगे चलेंगे नेक्स्ट खबर की तरफ, ले जाया जाए हमें नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स का समाचार। रमेश पवार नेम्ड हेड कोच ऑफ वुमेन्स नेशनल टीम। रमेश पवार को महिला राष्ट्रीय टीम के प्रमुख कोच के रूप में नामित किया गया है। तो वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम के महिला नेशनल क्रिकेट टीम, वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नामित किया गया है। किनको? रमेश पवार जी को। तो फॉर्मर इंडियन स्पिनर रमेश पवार वॉज नेम्ड हेड कोच ऑफ द वुमेन्स नेशनल टीम टिल द आईसीसी वर्ल्ड T20 इन वेस्ट इंडीज, शेड्यूल टू बी हेल्ड इन नवंबर 2018। तो नवंबर 2018 तक इनको कोच बनाया गया है। दिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाई बीसीसीआई सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी। पवार वॉज अपॉइंटेड इंटरिम कोच ऑफ द टीम लास्ट मंथ आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ तुषार अरोठे। तो उनको अंतरिम कोच बनाया गया है तुषार अरोठो के इस्तीफा देने के बाद। अबाउट बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट कौन है इनके? सीके खन्ना। फाउंडेड दिसंबर 1928, हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई राहुल जौहरी। वाइस प्रेसिडेंट सोमनाथ धर। सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी। मेन्स कोच रवि शास्त्री। वुमेन्स कोच रमेश पवार। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे हम आपको लेकर, और ये रहा अगला समाचार आपके सामने। विराज मदप्पा बिकम्स यंगेस्ट इंडियन गोल्फर टू विन एशियन टूर टाइटल। विराज मदप्पा बने एशियाई टूर शीर्षक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। विराज मदप्पा, तो आपको क्या वही मैंने बताया कि आने वाले एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि विराज मदप्पा जो है वो अभी रिसेंटली यंगेस्ट चैंपियन बने हैं, ही बिलोंग्स टू विच गेम, ही एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो योर आंसर वुड बी गोल्फ। पढ़ते इस खबर को थोड़ा डिटेल में और जानते हैं विस्तार से। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे जरूर, लेकिन इंडियन गोल्फर विराज मदप्पा बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन ऑन द एशियन टूर एज ही वॉन हिज फर्स्ट टाइटल ऑन द एशियन टूर एट टेक सॉल्यूशंस मास्टर्स इन बेंगलुरु। विराज मदप्पा स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 6 under 268 एट एशियन टूर इवेंट। ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। अर्लियर दिस रिकॉर्ड वॉज हेल्ड बाई गगनजीत भुल्लर हु वॉन द इंडोनेशिया इन्विटेशनल वेन ही वॉज 21 ईयर्स and 3 months old. Viraj Madappa is also the first rookie and youngest player to win on the continental tour this season. तो ये बहुत ही important खबर है, आपको नाम याद रखना है विराज मदप्पा का। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं quiz की तरफ। Keep calm and let's play quiz. All the best to all of you. तो ये रहा पहला question आज के session का आपके सामने। 10 questions होंगे और उसके बाद आज के session का हम अंत करेंगे। तो which state become the first state to provide right to skills development to youth? युवाओं को कौशल के विकास के अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत खूब, चलिए बहुत खूब, और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दिखा दिया जाए, छत्तीसगढ़। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च पिच टू मूव दैट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड इंसेंटिवाइज द स्टार्टअप्स व्हिच विल हेल्प द गवर्नमेंट रियलाइज इट्स विजन ऑफ शेयर्ड कनेक्टेड इंटर मॉडल
एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी फॉर इंडिया, किस विभाग ने पिच टू मूव लॉन्च किया जिसका लक्ष्य स्टार्टअप की पहचान और प्रोत्साहन करना है जिसे भारत सरकार के लिए साझा कनेक्ट इंटरमॉडल और पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता की अपनी दृष्टि को समझने में मदद करेगी। तो आपको बताना है कि पिच टू मूव को किस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और सेकंड क्वेश्चन का भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आज आप सभी का। और इसी तरह से लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और सेकंड क्वेश्चन का भी सही उत्तर आप सभी के द्वारा आया दिखा दिया जाए। नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। रिसेंटली इंडिया हैज रिलीज अ ग्रांट फॉर तिराई रोड्स प्रोजेक्ट फॉर विच कंट्री, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए तिराई रोड परियोजना के लिए अनुदान जारी किया है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा एकता, आदित्य, पंकज, अनुराग, रजनी, अमन, सीमा, पुलक, योगिता, अश्विन, अश्वनी, जसरोटिया, संजीत कुमार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन। स्वीटी पाल, जुगनू, दीपी, कालदीप, चिन्ना, निमता, आकांक्षा, आदित्य, नेहा, बहुत खूब आप लोगों का पार्टिसिपेशन। दिनेश, अंकित, राघव, प्रकाश कुमार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरजोत कौर, संधु, उज्मा, नेहा, जुगनू, अश्विन, दीपी कौर। थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर दिखा दिया जाए और बिल्कुल सही उत्तर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज नेपाल। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हमें ले चलिए। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इज नेपाल सी। फोर्थ क्वेश्चन, विद एन एम टू प्रोवाइड कंट्रीज पुअर टू एक्सेस क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ डैश, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस। गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा देश के गरीबों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने रिक्त स्थान को फिल करिएगा विश्व के सबसे बड़े हेल्थ केयर इंश्योरेंस को लॉन्च की घोषणा करिए। पोषण अभियान, जन आरोग्य अभियान, गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप यहां पर। और आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत खूब, गगनप्रीत, निशा, प्रकाश, सीमा, सफराना, हरजोत, एनसेटी, महिमा, बहुत खूब, नेहा, प्रांजल, अश्वनी, मलेश, कलदीप, दिव्या, दिनेश, आकांक्षा, बहुत खूब, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं आज आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही, जन आरोग्य अभियान, आयुष्मान भारत स्कीम का नया नाम जन आरोग्य अभियान, जिसको इंग्लिश में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे और ये रहा पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय यूके बेस्ड ऑनलाइन मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम यूजीओवी, व्हिच ब्रांड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पेट्रियोटिक ब्रांड। यूके स्थित ऑनलाइन मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म यूजीओवी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा ब्रांड देशभक्ति का ब्रांड माना गया है। और पांचवें क्वेश्चन का बहुत खूब, पांचवें क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली एसबीआई इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का चार क्वेश्चंस और रह चुके हैं आपके सामने और ये रहा सिक्स क्वेश्चन आपके सामने। हु बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रोड सेफ्टी कैंपेन्स, सड़क सुरक्षा अभियानों के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। छठे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और ये रहा सिक्स क्वेश्चन का भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। बहुत खूब, पुलकनाथ, अनुराग, पंकज, तमन्ना, प्रशांत, अमन, जुगनू, एकता, पुलक, अनुराग, सफराना, अश्विन, बहुत खूब, निशा श्योरान, सीमा, प्रकाश कुमार, स्वीटी पाल, आप लोगों का बहुत 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 बढ़िया पार्टिसिपेशन। और छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली अक्षय कुमार इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सातवें क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे और ये रहा सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने। द लैंडर ऑन द चंद्रयान टू मिशन विल बी नेम्ड, क्या नाम रखा जाएगा चंद्रयान टू के लैंडर को डैश के नाम से नामित किया जाएगा। होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, विक्रम साराभाई या एपीजे अब्दुल कलाम। सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और बिल्कुल बहुत बढ़िया, मेरे भी बहुत ही पसंदीदा एक्टर हैं, फेवरेट एक्टर हैं अक्षय कुमार। तो बहुत खूब आप लोगों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन और सातवें क्वेश्चन का भी सही उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। इसी तरह से आज के लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये जैसा मैंने आपको पहले अनाउंस किया, दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स द वेकअप शो। जरूर हमारी मुलाकात जल्द होगी लेकिन कब होगी इसका अभी कुछ नहीं पता और कुछ अपने पर्सनल इश्यूज के कारण और प्रोजेक्ट के कारण मुझे मूव करना पड़ रहा है। तो सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आना स्टार्ट हो चुका है और यहां पर और सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर जो है
आगे स्टार्ट और विक्रम सारा भाई इज द करेक्ट आंसर. सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज विक्रम सारा भाई इज द करेक्ट आंसर. एट क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे और ये रहा एट क्वेश्चन आपके सामने. हु हैज बीन नेम्ड एज द हेड कोच ऑफ वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम. महिलाओं की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नामित किया गया है. और आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी स्टार्ट आना शुरू हो चुका है, तो देखते हैं. चलिए बहुत खूब और बहुत खूब बहुत बढ़िया आप लोगों का पार्टिसिपेशन. और आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आ चुका है और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा. एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज बिल्कुल बहुत बढ़िया. एट क्वेश्चन का राइट आंसर दिखा दिया जाए. एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज रमेश पवार. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नौवीं क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये रहा नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने. हु बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन गोल्फर टू विन एशियन टूर टाइटल एट टेक सोल्यूशन मास्टर्स इन बेंगलुरु. बेंगलुरु में टेक सोल्यूशन मास्टर्स में एशियाई टूर टाइटल जीतने वाला सबसे युवा भारतीय गोल्फर कौन बना है. नौवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. आठवें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही रमेश पवार वॉज द करेक्ट आंसर फॉर एट क्वेश्चन. नाउ आप लोगों का आंसर जो है नौवें क्वेश्चन के लिए भी आना स्टार्ट हो चुका है और नौवें क्वेश्चन का भी सही उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा. बहुत खूब बहुत बढ़िया. नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज विराज मदप्पा इज द करेक्ट आंसर. नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज विराज मदप्पा इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और आज के दिन का आज के सेशन का और करंट अफेयर्स द वेकअप शो का अंतिम क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. बलराम दास जी टंडन रिसेंटली पास्ड अवे. ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट. बलराम दास जी टंडन का हाल ही में निधन हो गया. वह किस राज्य के राज्यपाल थे. दसवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. इज इट झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार और ओडिशा. टेंथ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. बिल्कुल दीपिक और जी शो बंद होगा और मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट किसको लॉन्च करेगी. ऐसा कुछ भी मुझे अभी ये गाइडलाइन नहीं दिया गया कि आप जाकर बोलिए और मैं नहीं बता सकता हूं यहां पर कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा. लेकिन खैर फिलहाल मैं अभी नहीं आ पाऊंगा और अगर आना होगा तो मैं बहुत जल्द जो है नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ जरूर आऊंगा आप सभी के समक्ष. लेकिन अभी भविष्य के पिटारे में है, कुछ नहीं कह सकते हम. और टेंथ क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही उत्तर दसवें क्वेश्चन का. और ये रहा दसवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज छत्तीसगढ़. बिल्कुल सही उत्तर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे, करंट अफेयर्स द वेकअप शो को समाप्त करेंगे. और अगर आपको हमारा शो जनवरी से लेकर अगस्त तक आज तक 16 अगस्त तक अच्छा लगा तो प्लीज हमारे शो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा. और ये सफर बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म से. बहुत ही अनोखा सफर रहा. आप लोगों ने मेरा साथ दिया, क्रिटिसाइज भी किया, सजेशंस भी दिए और बहुत ही मुझे अपने सिर पे बिठाया. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन मोटिवेशनल कोट के साथ आगे जाएंगे और इसको आज के शो को हम खत्म करेंगे. और रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट आपके सामने. फॉलो योर होप्स एंड नॉट योर फियर्स. मतलब अपने उम्मीदों और आशाओं का पीछा करिए, अपने डरों का पीछा मत करिए. अपने उम्मीदों और आशाओं के पीछे पड़िए, अपने डर को अपने पीछे लेकर मत चलिए. तो यहाँ पे डर को खत्म करिए और उम्मीदों को अपने साथ रखिए. इसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू.